नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम कॉन्ट्रैक्ट यूट्यूब चैनल में। आज आपको ये एलिवेशन की जो टाइल्स रहती है उसका डिज़ाइन का ये वीडियो देख रहे हैं। अभी इसमें एलिवेशन जो टाइल्स देख रहे हैं, ये दो कलर की टाइल्स लगाई हुई है इसमें, जो अपनी 2x4 की डिजिटल टाइल्स आती है, डिजिटल प्रिंट में अपन उसको डिजिटल प्रिंट बोलते हैं, उसका इसके अंदर कटिंग करके फिटिंग किया हुआ है, जिसमें 2x4 की जो टाइल्स आती है उसका एक एक फुट का साइज बना के और बाद में इसमें फिटिंग किया हुआ है ब्रेक पैटर्न में। जो जॉइंट इसके रहते हैं वो ब्रेक जॉइंट में फिटिंग किया हुआ है इसका। और इसमें जो 3 mm का गुरु देख रहे हैं, गुरु के अंदर अपोक्सी भरना बाकी है, इसमें अपोक्सी भरी जाएंगी टोटल। और ब्लैक ग्रेनेट का ये डोर भी देख सकते हैं, इसमें सागवान का डोर लगे हुआ है पीछे और बाद में इसमें ब्लैक ग्रेनेट की फ्रेम घुमाई हुई है, वैसा ही सेम ये विंडो में भी वैसा ही किया हुआ है। टोटल ब्लैक ग्रेनेट का फ्रेम लिया हुआ है, 3 inch का जो अपना ग्रेनाइट का फ्रेम लिया हुआ है इसमें, और अंदर से भी वैसा ही सेम ग्रेनाइट लगाया हुआ है खिड़की को। और इसमें बीच में वाइट आर्टिफिशियल जो ग्रेनाइट की पट्टी आती है 2 सूत की, उसका फिटिंग किया हुआ है और फिर बाद में इसको पॉलिश किया हुआ है टोटल। उसके अंदर इसका लुक ज़बरदस्त दिखता है एलिवेशन के अंदर, देख सकते हैं इसका वाइट का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, एक आइडिया ले सकते हैं। इस तरीके से आप भी 4x2 का टाइल्स का फिटिंग करवा सकते हैं। और इसको टाइल्स को पीछे पहले एरोडाइट लगाना चाहिए, कभी भी एरोडाइट और उसके बाद में रेती या फिर जो भी मार्बल के दाने रहते हैं वो लगा के और बाद में इसकी फिटिंग करें कभी भी, जिससे निकलने का चांस नहीं रहता इसका कभी भी टाइल्स का। धूप में भी लगाए तो कभी केमिकल यूज़ किए इसमें, केमिकल के बगैर अगर टाइल लगाएंगे अपन सादा सीमेंट में तो कभी भी धूप से छोड़ देती है टाइल। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो बहुत से हैं जो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं या फिर गूगल मैप पर भी सर्च करके देख सकते हैं आप। धन्यवाद।